हेलो फ्रेंड, आज देखिए मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये मैं फ्रॉक बना रही हूँ, ये देखिए। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 19 के मल्टीपल फंदे चाहिए और दो फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसमें मैंने ये जो फ्रॉक है ये मैं बिना जोड़ के बना रही हूँ, तो इस तरीके से आएगी ये, देखिए। तो इस पर मैंने 192 फंदे डाले हैं, 192। अब देखिए कैसे हमने डिज़ाइन बनाना है। जैसे ही हमने बॉर्डर बनाया तो उसके बाद हमने ये दो सिलाइयाँ एक उल्टी एक सीधी बना ली हैं, उसके बाद ही हमें डिज़ाइन बनाएंगे। जो मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट करा है वही मैं आपको यहाँ से बनाना बताती हूँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। पहला फंदा हमने स्लिप करा, अब धागा आगे करा, तीन बार हमने दो कई करना है, एक दो और ये तीन। अब धागा पीछे करके छह बार हमने जाली डालनी है। देखिए पहला फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे, अब छह बार हमने जाली बनानी है, एक दो तीन चार पांच और ये छह। अब फिर धागा आगे करेंगे, अब छह बार हम दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब धागा पीछे करा, अब एक फंदा हम सीधा बना देंगे और छह बार जाली, एक दो तीन चार पाँच छः। अब धागा आगे करके छः बार ही दो का एक, एक दो तीन चार पाँच छः। आप लास्ट तक ऐसे ही बना लीजिए सभी फंदों को, छः बार जाली बनानी है और छः बार दो का एक करना है। और फिर मैं लास्ट में फिर दिखाती हूँ आपको, लास्ट में हमारे पास वैसे ही ये देखिए, तीन बार हम दो का एक करेंगे और लास्ट का एक फंदा हमारा सीधा बचना चाहिए। तो इतने फंदे हमारे पास ये बचने चाहिए लास्ट में, तो मैं दिखाती हूँ लास्ट में कैसे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट में पहुँच गए हम। तो धागा आगे करा, तीन बार दो का एक करेंगे, एक दो और ये तीन। अब धागा पीछे करा और ये लास्ट का सीधा। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उल्टी सिलाई हैं इसकी, सभी उल्टी ही बनेंगी। उल्टी सिलाई पे हमने कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस तरीके से ये जाली इस तरीके से बनानी है हमने, तो पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। एक बार फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ फिर। जो हमने पहली सिलाई बनाई वही हम दोबारा से बनाएंगे, तीसरी सिलाई। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, ये बना लिया मैंने। अब दोबारा से हमने जो पहली सिलाई बनाई थी वही यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दो तीन बार बनाया ये डिज़ाइन, देखिए। तो तीन बार ही हम बनाएंगे, दूसरी बार मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। फिर से हमने तीन बार दो का एक करना है, एक दो और तीन। अब धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर छह बार जाली, एक दो तीन चार पाँच छः। अब धागा आगे करके छः बार हमने दो का एक करना है, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब धागा पीछे करके एक फंदा
सीधा, फिर जाली, छह बार जाली, एक दो तीन चार पाँच छः। अब धागा आगे करके छः बार, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, छः बार जाली, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार दो का एक, एक दो तीन चार पाँच और एक छः। बस लास्ट तक हमने ऐसे ही बनाते जाना है, और लास्ट में भी हमारे ऐसे ही तीन बार दो का एक करेंगे हम, तो ऐसे बनाते जाइए। मैंने तीन बार डिजाइन बनाया है, ये दूसरी बार, एक बार फिर बनाऊंगी, इसके बाद दो सिलाइयाँ, एक सीधी उल्टी, देखिए ऐसे एक सीधी उल्टी, फिर उसके बाद तीन धारियाँ, छह सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, एक दो तीन। मैंने यहाँ पे तीन डिजाइन का गैप दे रखा है, आप यहाँ पे चार डिजाइन भी बना सकते हो, पांच भी। देखिए शुरू से दिखाती हूँ, ये हमने फ्रॉक का बॉर्डर बनाया, फिर हमने दो सिलाइयाँ एक उल्टी एक सीधी बनाई, फिर तीन बार डिजाइन बनाया, फिर दो सिलाइयाँ एक उल्टी सीधी बनाई, फिर उसके बाद छह सिलाइयाँ बनाई, फिर दो सिलाइयों का ये यहाँ पे गैप, फिर तीन डिजाइन, फिर दो सिलाइयों के गैप, फिर छह सिलाइयों का यहाँ पे तीन उल्टी सीधी आ गई। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए, देखिए। और फिर मैं आगे दिखाती हूँ मैंने इसकी कितनी लेंथ रखी है वो भी, और इससे ऊपर वाला पार्ट भी मैं आगे दिखाती हूँ आपको कैसे बनाएंगे हम। अब ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो एक दो तीन चार डिजाइन बनाए, और एक हमने ये डिब्बी, ये देखिए 11 इंच का हमने ये टोटल बनाया है लेंथ इसकी। तो अब हम फंदे कम करने, तो देखिए कैसे करेंगे कम। तो देखिए 120 फंदे छोड़ेंगे हम, 60 60 60 आगे वाले पार्ट के लिए और 60 ही पीछे वाले पार्ट के लिए। तो धागा आगे करेंगे, ये देखिए एक बार हम दो का एक करेंगे और एक बार हम सिंगल फंदा बनाएंगे, देखिए दो का एक करा फिर सिंगल फंदा बनाया, सॉरी फ्रेंड ये ज़्यादा हो जाएंगे फंदे। तो हमने यहाँ पे तीन बार पहले शुरू में दो का एक कर लेना है, ये देखिए तीन बार हमने दो का एक कर लिया। अब एक फंदा हम सिंगल बनाएंगे, फिर दो का एक, फिर सिंगल फंदा, फिर दो का एक, फिर सिंगल फंदा, पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे। शुरू में भी हमने यहाँ पे तीन बार दो का एक करा है, और लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे तीन बार दो का एक। तो ये मैं लास्ट तक ऐसे ही बना देती हूँ, और लास्ट में दिखाती हूँ फिर आपको। फिर आगे दिखाती हूँ मैं कितने फंदे हमारे पास बचे हुए हैं ये टोटल। अब ये देखिए फ्रेंड 126 फंदे बचे हैं हमारे पास ये। तो अब दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी धारियां बनाएंगे अब इन्हीं फंदों की। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना ना बढ़ाना है, बस इसको ऊपर तक 2.5-3 इंच तक हम इसको ऐसे ही बना देंगे। इसके बाद फिर हम फ्रॉक का गले की कटिंग, मुंडे की कटिंग करेंगे, तो हम बाद में सीखेंगे, पहले मैं इसको बना लेती हूँ ऐसे ही।
अब हमने यहाँ पे एक साइड हमारे ये 63 फंदे आएंगे फ्रंट पार्ट के लिए भी 63 और बैक पार्ट के लिए भी 63। तो इन्हें बना लेती हूँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से आगे मैंने फंदे कम करके 120 फंदे छोड़े हैं टोटल है। तो 60 हमारे फ्रंट पार्ट के लिए, 60 हमारे बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 धारियाँ बनाई हैं। 14 धारियाँ बनाने के बाद अब हम फंदे डिवाइड करेंगे, 60 फंदों को पहले बनाएंगे और 60 फंदों को फिर बाद में बनाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे फंदे कम भी करेंगे, दोनों साइड से 10-10 फंदे, 10 यहाँ से कम करेंगे, 10 यहाँ से, और 40 फंदे ऊपर छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कम। पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप करा, एक फंदा हमने ऐसे पलटा और 2 का 1 कर दिया, तो 3 फंदे हमारे बन गए, धागा आ गए। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, ये 60 फंदे ही बनाएंगे हम। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
58 और 59 दो का एक हो गया और ये 60। अब यहीं से हम पीछे पलटेंगे, ए वाले फंदे हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए, अब हम इन्हीं फंदों को एक फंदा यहाँ कम करते जाएंगे, एक फंदा यहाँ, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे हमने कोई फंदा कम नहीं करना है। फिर हमने सीधी सिलाई पे फिर से एक बार दिखाती हूँ कैसे हमने फंदे कम करने हैं। तो 10-10 फंदे हम दोनों साइड से कम करेंगे, 40 फंदे हमारे बच जाएंगे। फिर आगे दिखाऊंगी, तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए एक बार फिर से ये वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे, तो ये फंदा हमने स्लिप करा और इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे फिर से दो का एक कर देंगे, तो हमारा ये फंदा कम हो गया। इस तरीके से दो बार हो गया। अब 10 बार हम ऐसे ही कम करते जाएंगे, सीधी सिलाई पे और उल्टी पे पूरी सिलाई उल्टी। तो मैं ये बना लेती हूँ, सिर्फ 40 फंदे छोड़ेंगे हम ये वाले, यहाँ पे सिलाई पे 40 फंदे बचने चाहिए। तो मैं ऐसे ही बनाते जाऊंगी ये, तो हमारे पास 40 फंदे फिर बच जाएंगे दोनों साइड से 10-10 बंद करके। एक बार इस साइड भी देख लीजिए कैसे कम करेंगे हम।
ये जो हम फंदे कम करेंगे, हम सीधा सीधी साइड से इसको कम करेंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए तो धागा पीछे करा, इन दो का एक कर दिया और लास्ट का फंदा वैसे ही सीधा बना दिया। तो ऐसे हमारा ये बनता जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 10 फंदे यहाँ बंद कर दिए, कम कर दिए सॉरी, और 10 ही यहाँ से कम कर दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम गले के लिए, 10 फंदे इस साइड छोड़ेंगे और 10 इस साइड, और बीच के 20 फंदों को हम देखिए ऐसे दो अभी सीधी बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे बना लिए। अब इसके बाद 1, 2 अब 20 फंदे हम बंद कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब देखिए 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे हम 4 फंदे छोड़ेंगे और बाकी गले की साइड से सभी फंदे बंद करते जाएंगे, एक एक इस साइड से एक एक ऐसे बंद करते जाएंगे, सिर्फ ये 4 फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी बनाएंगे। सीधी सिलाई से हम एक एक फंदा कम करते जाएंगे। ये बना लिया और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब 9 फंदे बचे हमारे पास, 4 फंदे छोड़ेंगे हम यहाँ पे। एक बार फिर देख लीजिए, एक ऐसे। अब 8 फंदे बच गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हम सिर्फ 4 फंदे छोड़ेंगे, तो 4 फंदे छोड़ने तक मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे हम कैसे बनाएंगे इसको। गले की साइड से ही हमने फंदे बंद करने हैं।
अब ये जो चार फंदे बचे, अब इसको देखिए फ्रेंड, अब हमने दोनों साइड से, ये देखिए ये वाले जो 10 फंदे हैं इनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे इस साइड। अब ए वाले देखिए, दोनों साइड से हमने ये सिलाई लेनी है ऐसे, ये देखिए दोनों साइड से इसका मुंह खुला हुआ है। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे, दो तीन चार, अब इसको छोड़ देंगे और दूसरी सिलाई भी ऐसे ही लेंगे। पहला स्लिप करा ऐसे, दो तीन चार, अब फिर इसको ऐसे इस साइड को पहला फंदा स्लिप करा, बस अब हमने ऐसे ही इसको ऊपर तक दोनों साइड से उल्टा उल्टा, ये देखिए पहला फंदा भी हमने ऐसे बना लेना है, दो तीन चार। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, इसमें हम स्लिप नहीं करेंगे, इसमें हम इसको भी बनाएंगे ऐसे, बस ऐसे ही हम ऊपर तक इसको लंबी सी डोरी ऊपर तक बनाते जाएंगे। जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी आप इसमें बना सकते हैं। तो मैं पूरी बना के फिर दिखाऊंगी आपको कितनी लेंथ रखी है मैंने इसकी। सिलाई हमने दोनों साइड से खुली लेनी है, तब ये क्रॉस हो जाएगी। ये देखिए ऐसे इस साइड बनाया, अब इसको ऐसे कर दिया। तो ये मैं बना लेती हूँ और दूसरे साइड का भी हमने ऐसे ही बना लेना है सेम। तो इस तरीके से देखिए हमारा बनता चला जाएगा ऊपर तक। और ये जो 10 फंदे हैं इनको भी हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एक एक फंदा हम कम करते जाएंगे और चार फंदों को फिर ऊपर तक। और ये जो बैक पार्ट है इनको भी ऐसे ही 10 फंदे यहाँ से कम करेंगे, 10 यहाँ से, और बीच के 20 फंदे बंद कर देंगे। तो फिर मैं आपको ये जो डोरी है ऊपर तक हम बनाने के बाद इसको बंद कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी और इसको सिलना भी बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, ये 12-12 इंच की डोरियां बना ली मैंने, अब इसको देखिए कैसे बंद करेंगे हम। बाकी सब मैंने बंद कर लिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इन चारों को हम ऐसे एक सिलाई में डाल के निकाल लेंगे और इसको इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे। अब इस वाले को ऐसे सुई में डालेंगे धागे को और इसके अंदर से ऐसे, जो बाकी सारे हैं सबको हम ऐसे ही बंद करेंगे। जहाँ तक ये धागा पहुँचता है वहाँ तक हम इसको ऐसे निकाल देंगे। देखिए अंदर की साइड करके हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया धागा और ये बंद हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये जो सभी हैं इनको हम ऐसे ही बंद कर देंगे। अब इसको मैं सिलना बताती हूँ आपको, ऐसे उल्टा करेंगे इसको और ये जो धागा बचा हुआ है इससे हम इसको सिलेंगे। तो देखिए कैसे सिलेंगे, एक साइड तो हमारी बंद है और दूसरी साइड को ऐसे सिलेंगे हम।
ये जो ब्लैक है इसको यहाँ तक हम ब्लैक से सिलेंगे, जहाँ से हमने फंदे घटाने स्टार्ट करे हैं देखिए यहाँ तक सिलेंगे हम इसको। तो देखिए पहले हम यहाँ से जॉइंट करेंगे अच्छे से दोनों साइड से, देखिए जॉइंट हो गया। अब ऐसे मिलाएंगे, ऐसे एक यहाँ निकाला और एक ऐसे, बस ऐसे ही हम ऊपर तक इसको सिल देंगे। धागे के पीछे से सुई डालेंगे और धागे के आगे निकालेंगे, देखिए पीछे डाली आगे निकाला। मैं ये सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड सिल दिया मैंने, अब सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारी फ्रॉक बन के आई है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे इसकी गांठ लगा देंगे ऐसे। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, एक बराबर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक बन के आएगी। फिर तो ये देखिए फ्रेंड ऐसे। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, थैंक यू। इसमें ना हमें गला बनाना पड़ता है, ये देखिए इससे आप यहाँ पे क्रोशिया से भी बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाना है तो ऐसे ही इसको बना के बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक।